देखिए हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक ना बॉर्डर खाली होगा ना ट्रैक्टर में बैक गियर लगेगा। कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, पूरे रास्ते खुले हैं, देखो ऊपर से रास्ते खुले हैं, ये दिल्ली सरकार ने रास्ते रोक रखे है, गृह मंत्रालय ने रास्ते रोक रखे है, दिल्ली पुलिस ने रास्ते रोक रखे है। दिल्ली जाम करोगे? किसकी हिम्मत है जो दिल्ली जाने से रोक दे? अरे किसान का हौसला तो सरकार नहीं तोड़ पाई, ये 2% की दलाल मीडिया हौसला तोड़ दे किस किसान का? छोड़ रही है, ट्रिपल सतर्क लगा दिया, ट्रिपल सतर्क मोदी जी ने भाई। बेरोजगारी 101वें नंबर पे, तेल 106 नंबर पे, डीजल पेट्रोल डीजल 100 रुपए पे, पूरे हैट्रिक लगा दिया आज इन्होंने। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना कितना भाजपा का दिल में है। कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, पूरे रास्ते खुले हैं, देखो ऊपर से रास्ते खुले हैं, ये दिल्ली सरकार ने रास्ते रोक रखे हैं, गृह मंत्रालय ने रास्ते रोक रखे हैं, दिल्ली पुलिस ने रास्ते रोक रखे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को हम दिखाना चाहते हैं कि देख रास्ते किसने रोक रखे, बैरिकेडिंग पर किसने लगा रखी है। आप रोक रखे हैं? आप लगा रखे थे इतने दिनों से? क्या ये हमें, ये हमारे घर में बढ़ती है, फैक्ट्री लग रही है, ये जो है ये तंबू, क्या तंबू? अरे ये पर्दे लगा रखे थे कि उधर से धूप ना आए, गर्मी थी, और ये पुलिस वाले हमारे फोटो खींचे थे। अब बता, मैं यहाँ नहा रहा हूँ, कपड़े बदल रहा हूँ, तो हमारे फोटो क्यों खींचे? आप कह रहे हैं कि ये खोल दे, आप बराती लेके पहुँच जाएंगे क्या? तो दिल्ली में पासपोर्ट लगे है क्या? पहले खुलवाओ तो। अगर ये बैरिकेड नहीं हटेंगे तो क्या ताऊ दिल्ली नहीं जाएगा? जाएगा, सावधान दिल्ली, बैरिकेडिंग हटा ले। मीडिया में चल रहा है कि खाली कर रहे हैं किसान, टेंट हटा रहे हैं किसान। यार देखो, देश का हर नागरिक जानता है कि गोदी मीडिया है, उसको इवेंट मिला है, और बताए गोदी मीडिया कि मोदी ने कितने करोड़ दिए ये झूठ बोलने के। वो तो कह रहे राकेश जी का टेंट बांध लिए, चल रहे हैं अब घर से सोली। कौन? मीडिया वाले। उनको कहने दो, सोशल मीडिया पे जा रहा है, सबको पता है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक ना बॉर्डर खाली होगा ना ट्रैक्टर में बैक गियर लगेगा। आपसे बोला गया कि यहाँ से खाली कर दीजिए, आप रास्ता मत रोकिए, तो आपने रास्ता तो हटा दिए, लेकिन एक चेतावनी भी दे रहे हो साथ के साथ कि बैरिकेडिंग हटाइए, हम दिल्ली जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को दिखा रहे हैं हम कि एक तरफा निर्णय ना ले, 11 महीने से सड़कों पे बैठे हैं, जो सरकार ने रास्ता रोक रखा है उसको देख, अपना ऑब्जर्वेशन भेज कि बैरिकेडिंग किसने लगाए हैं। नहीं, लेकिन जो बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, आपने अभी ये टेंट पे अपनी तिरपाल वगैरह थी वो हटा दी, लेकिन उसे हटाने के साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि ये जो बैरिकेडिंग है वो हटेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे। कि दिल्ली किसी का बाप की है? जो जान नहीं देगा दिल्ली, दिल्ली जाम करोगे? किसकी हिम्मत है जो दिल्ली जाने से रोक दे? तुम्हें रुके क्यों है, जाते क्यों नहीं? अपनी मार, ओए हम दिल्ली जा, चाहे बॉर्डर पे बैठे, मारी मर्जी। मर्जी दिक्कत हो रहा है ना लोगों को, बोलते हम दिल्ली जाएंगे, हम लोगों को दिक्कत हो रहा है ना, मर्जी से, आपके मर्जी से हम लोगों को परेशानी हो रही है ना। किसको परेशानी हो रही है? जाने वाले को, डॉक्टर क्या जो जा रहे हैं उनको, तो जाकर टक्कर मार इसमें बैरियर में मारे, हम क्या रोक रहे हैं, हमारी वजह से कैसे परेशानी हो जाएगी? तो यही आप दिखाना चाहते हो कि ये बैरिकेडिंग है वो सरकार की तरफ से है? ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाह रहे हैं कि वहाँ बैठ के, क्योंकि देश के अंदर अगर जरा सी भी इतनी सी भी शर्म बची है देश में तो वो सुप्रीम कोर्ट की है, उसे गवावे ना, बाकी सब संवैधानिक संस्था गुलाम हो चुकी हैं। अभी इतनी सी किधर है इशारा? सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये इशारा, गुलाम, हाँ, कि गुलाम ना बन जाए। लेकिन जो मीडिया में अभी चल रहा है कि किसान खाली कर रहे हैं, टेंट हटा रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? आपको कितनी बार कहा है? नहीं, जो किसान, अरे देश के अंदर मीडिया है ही नहीं, जो मीडिया ऐसे चला रही है उसी मीडिया वो चाटुकार है, वो गुलाम है। अरे किसान का हौसला तो सरकार नहीं तोड़ पाई, ये 2% की दलाल मीडिया हौसला तोड़ दे किस किसान का? नहीं टूटता, किसान इतना कमजोर नहीं है कि 2% की मीडिया, दलाल मीडिया हमारा हौसला तोड़ दे। देश के अंदर सोशल मीडिया बची है और सोशल मीडिया की लड़ाई हम लड़ रहे हैं।
और देश के अंदर निष्पक्ष खबर दिखाने वाली है। सरकार भी है, सरकार से तो जब चाहे जब दो दो हाथ करने के लिए किसान तैयार बैठा। पहलवानी करोगे क्या? पहलवानी करोगे तो दो दो हाथ का मतलब क्या? दो दो हाथ का मतलब है कि 2022 आ रही है। अच्छा, जो किसान देख रहे हैं, जो किसान इस न्यूज को देख रहे हैं कि किसान खाली करे, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश की सभी जनता से अनुरोध है और चेतावनी भी है, सलाह भी है कि गोदी मीडिया के बहकावे में ना आए। आंदोलन था, है, रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP पे गारंटी का कानून नहीं बन जाता। ये आंदोलन जारी रहेगा चाहे सरकार आज कहीं नहीं जा रहे, आज कहीं नहीं जा रहे। और किसान गए कहाँ? नहीं, जो मीडिया में चल रहा है टेंट हटा रहे हैं किसान, कोई किसान कहीं नहीं जा रहा, ना टेंट हटे। तुम लोग बॉर्डर खाली हो रहा है, तुम लोग गाजीपुर बॉर्डर के, तुम लोगों से भी अनुरोध है कि एक बार उधर दिखाओ, सारे टेंट झुके तू है, सारे किसान झुके तू है। अच्छा, टेंट बड़े हैं लेकिन जो दिखाया जा रहा है कि खाली कर रहे हैं किसान, तो वो गलत। देश को झूठी बात दिखा करके कल अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, जब कल को फिर दिखाएंगे कि टेंट तो लगे हुए हैं, तब क्या दिखाएंगे? तो किसान डटे हुए कहीं नहीं जा रहे, अरे जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे। देखिए हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है। जो अगर बैरिकेडिंग हटाते हैं, ये बैरिकेडिंग जो हो रही है वो हटा देती है सरकार, तो फिर आप दिल्ली भाग जाओगे? हम चोर है जो भाग जाएंगे? नहीं, दिल्ली जाने की आप बोल रहे हो ना, दिल्ली किसी के बाप की है जो हमें नहीं जानते। अरे हम कहाँ जाएंगे? देखिए, हम खराब होगी, जाम हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज बता देता हूँ, हम अपने घर से चले थे, रास्ते में रोक दिए, बैठे हैं, रास्ता खुल जाएगा, अपनी मंजिल पे जाएंगे। हर है? क्योंकि ये जो लाखों गाड़ियां चलती है, किसी से पूछते हो तारी मंजिल कहाँ है? अरे तो आपसे पूछे जाएंगे ना, क्यों पूछ रहा हमसे? अरे कौन होता पे? कौन माइकल लाल पकड़नी है? अरे कौन माइकल लाल किसान से पूछ सकता कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है? जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। अरे वो ये चीज हमने बता दी, लेकिन कुछ मीडिया है, सोशल मीडिया, वो गोदी मीडिया, वो एक दुष्प्रचार कर रही, आज एक दुष्प्रचार कर रही। वह अगर किसान किसान हाँ किसान आंदोलन उठ रहा है, टेंट बांध के जा रहे, दुष्प्रचार कर रहे हैं, यहीं बैठे हम, यहीं है, यहीं पे आकर के देख लो, सबके सब यहीं उपस्थित है। किसान अब जा रहे हैं रास्ते में कहाँ थे किसान? तो पहले भी साइड में बैठे, साइड में लग रही सारी किसान घर को चल दिए, अब रास्ता खाली। तो वो गोदी मीडिया, वो मीडिया किसकी है? मीडिया किसकी है? वह मीडिया मोदी की है, उसने कहा था रास्ते बंद कर रहे, वही कह रहा जा रहे। हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे। हम जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, उस संसद भवन में जाएंगे जिस संसद भवन में वे बिल पास हुए, उस संसद भवन में जाएंगे, या तो वहां पे बिल वापसी होंगे, नहीं तो वहां के आदमी बदल के जिप जाके बिल वापसी करवाओगे, इतना वही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट आप कह दिए कि आंदोलन का स्थल खाली करने के लिए, तभी नहीं करेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट कैसे कह देगी आंदोलन खत्म कर दे? रास्ते खाली है, मारे तो मारी मारे से भाई मारे से हमारी जो हमें संविधान ने अधिकार दिया, क्या उस अधिकार को भी छीन लेगी सरकार? हमें हमारे संविधान के अंदर आंदोलन करने का अधिकार दिया गया, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, जब तक पूरी नहीं होती हम आंदोलन कर सके, और हमारी मेन जगह है जाके जंतर मंतर पे रखे जगह, वहां बैठ सके जाके, वहां तक जान नहीं देते तो हमें रोक कैसे देंगे? तो एक बात तो साफ होगी, अभी 4 दिन पहले तो उन्होंने एक बात कही थी राजनाथ सिंह ने, कह लगा भाई गांधी जी के कहने पे सावरकर ने माफी मांगी थी, यह बात तो उन्होंने मान ली। जा पहले तो मानते नहीं आ रहे थे 75 साल से, अब जा करके एक बात आ जाएगी इनकी, कह लगा भाई हमने जो संविधान है उसे सूली पे चढ़ा दिया, अगर ये संविधान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं, संविधान के खिलाफ जा करके हमें यहाँ से हटाते हैं, तो एक सीधा सीधा पूरे देश को एक संदेश जाएगा, कह लगा इन्होंने संविधान को फाड़ गए और संविधान को जला दिया, आग लगा दी, फांसी चढ़ा दी उसे, एक संदेश यही जाएगा कि किसान आवाज को कुचलना प्रयास करा। लेकिन मीडिया ने देश को यह संदेश पहुंचा दिया है कि किसान खाली कर रहे हैं। उस मीडिया को जो देशवासी है, देखो जो अंधभगत है उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसको तो देखने का काम है, उनकी IT सेल का ये काम है, लेकिन जो लोग समझदार है अगर उसने वो चैनल देख लिया जिन पे प्रचार है, तो वे अपने आप अनुमान लगा लेते हैं, कह लगे बिल्कुल उल्टा बोल रहे, बिल्कुल विपरीत बोल रहे, समझ लेते हैं लोग ऐसी बात नहीं, बल्कि उन्होंने तो देखना भी बंद कर दिया लोगों ने। बात वही है, बात आज यह है कि सरकार बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है,
अगर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा अगर उसका पालन अगर इसको मानते हैं स्वीकार करती है सरकार तो रास्ते भी आधे घंटे के अंदर अंदर खोल देने चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था 1.5 साल के लिए रोक लगा दी है तो फिर क्यों आंदोलन कर रहे हो जब रोक लगी तो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में किसान के खाते में चला जाएगा। वो 5 साल का हमारा जो गन्ने का पेमेंट लेट आया सुन लो आपको गांधी जी बुजुर्ग हो गए थे तो इसका मतलब ये थोड़े गांधी जी आंदोलन छोड़ देते। गांधी जी भी आंदोलन कर रहे थे कितनी उम्र में आंदोलन करा उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं होता किसी की शक्ति का अंदाजा आप उसकी उम्र से नहीं लगा सकते ना उम्र से उसकी तुलना कर सकते। उसके जज्बे को देखो जो 60 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में आंदोलन कर रहा बैठ करके यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही है। छोड़ रहे हैं ये ट्रिपल सतर्क लगा दिया ट्रिपल सतर्क मोदी जी ने भाई बेरोजगारी 101वें नंबर पे तेल 106 नंबर पे डीजल वो पेट्रोल डीजल 100 रुपए पे पूरे हैट्रिक लगा दिया आज इन्होंने। आज ये प्रचार कर रहे हैं कि हमने देश के अंदर 100 करोड़ टिक्के लगा दिए। लगा लो टिक्के तो लगा लग रहे आज क्या कर रहे ये जो कुछ करें बस एडवर्टाइजमेंट करे सिर्फ फोटो भी रो रहे। यार एक बात बताओ खाली नाम बदलने से विकास हो जा क्या या जो इनकी मीडिया है जो दुष्प्रचार करे उस दुष्प्रचार करने से देश का विकास हो जाएगा क्या? पूरा देश पूरे देश की जनता जान रही है देश का नौजवान साथी जो युवा है वो रोजगार मांग रहा है ठीक है वो रोजगार के लिए चिल्लाता है देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाता मतलब है। आंदोलन अभी खाली नहीं होगा। आंदोलन का क्या मतलब है खाली हो जाएगा? हाँ। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कितना कितना बाजुए का दिल में है।